पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध की महानता को पूरा विश्व मानता है। उनके जीवन में कुशीनगर का विशेष महत्व रहा है। यही वो पावन भूमि है जहां 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिससे कुशीनगर हमेशा के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुशीनगर का चहुंमुखी विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में बेघर परिवारों को पक्का घर मिला, सड़कों का नवनिर्माण एवं सेतु निर्माण से स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आई, शुद्ध पेयजल परियोजना से हर घर शुद्ध जल पहुंच रहा है, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण, सौभाग्य योजना में निःशुल्क बिजली कनेक्शन, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है एवं 6 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज कुशीनगर के विकास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रदेश के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विकास होगा और निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 520 बेड क्षमता के राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से 40 लाख क्षेत्रवासियों को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार।